कोरबा कुसमुंडा फोर लेन निर्माण में लगातार हो रही देरी की वजह से इस सड़क पर काफ़ी गड्ढे हो गए हैं, जिसमें हजारों लोग आवाजाही कर रहे हैं और उन्हें बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पार्षद सुरती कुलदीप ने इस समस्या को देखते हुए आज कोरबा कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें से लोगों की समस्याओं से अवगत कराया है और साथ ही साथ कलेक्टर को लिखे ज्ञापन में उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सप्ताह भर के भीतर सड़कों पर हुए गड्ढों को नहीं भरा जाता तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। आपको बता दें, कोरबा कुसमुंडा मार्ग अंतर्गत बरमपुर मोड़, इमली छापर चौक, कुचिना मोड़ से लेकर अनेकों स्थानों पर बेहद गड्ढे हैं, जिसमें से हजारों लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर स्थानीय पार्षद श्रुति कुलदीप, बसंत चंद्रा, पूर्व एल्डरमैन गीता गभेल, कांग्रेसी नेता मधुसूदन ने एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को, जिसमें उन्होंने तत्काल गड्ढे भरने की मांग की है और साथ ही अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाते तो सप्ताह भर के भीतर इस मार्ग पर भारी वाहनों को रोका जाएगा, चक्का जाम का अल्टीमेटम भी दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रुति कुलदीप और पूर्व एल्डरमैन गीता गभेल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हम पश्चिम क्षेत्र से आते हैं तो हम पश्चिम क्षेत्र की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। कुचेना मार्ग से लेकर के कुसमुंडा मार्ग बरमपुर चौक तक जो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुका है और बहुत गड्ढे हो चुके हैं, जो कि फोर लेन निर्माण भी जो चल रहा था वो भी आधा अधूरा है, विलंब से चल रहा है। तो बस यही मांग लेकर के हम यहाँ पे आज कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं, क्योंकि आज वो रास्ता जो ऐसा हो गया कि जहाँ पूरा अपना जान हाथ में रख करके उस रास्ते में लोग सफर कर रहे हैं, भय का माहौल बना हुआ है। तो लोगों की समस्याएं आज हम यहाँ पे फिर से रखने आए पुनः, क्योंकि और हमने भी आवेदन रख चुका है पहले भी। आप लोग कब से बैठेंगे और कौन कौन उसमें शामिल रहेंगे, कब तक करेंगे आप? जी, हम आज जो कुसमुंडा क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद बसंत चंद्रा है, मधुसूदन दास हैं, गीता गभेल दीदी हैं और मैं सुरती कुलदीप, हम सब ने एक सम्मिलित रूप से ये लेटर हम दे रहे हैं और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम 7 दिनों के अंदर में चक्का जाम का हमें नोटिस देंगे। ये बताइए, ये समस्या कब से बनी है? ये समस्या तो करीबन ये 10 साल से पूरे समस्या बनी हुई है और अभी कांग्रेस का जब शासन था उस समय में ये फोर लेन सड़क का निर्माण जो आधा अधूरा जो है छूट चुका है। अब चूंकि भाजपा का शासन आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी ये रोड की प्रक्रिया अधूरी की अधूरी हुई है। कांग्रेस 5 साल में पूरी क्यों नहीं कर पाई? दरअसल काम तो चल रही थी लेकिन उसका भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही काम जो है बीच में रोका गया था, ऐसा हमें बताया गया था और कुछ सूचना भी हमें मिली थी। और अभी ऐसा है कि काम जो है, और भी बहुत सारे कारण हैं इसके रुकने के। आपको नाम बताएंगे? नाम बताएंगे दीदी? पूरा एल्डरमैन गीता गभेल, विकास नगर कुसमुंडा। बताएंगे जो मुख्य मार्ग आप लोग आंदोलन पर जाने वाली है, कौन सा मार्ग है और कब से परेशानी आ रही है? विकास नगर कुसमुंडा से यहाँ कोरबा तक आने वाले मुख्य मार्ग में बहुत ही ज्यादा गड्ढे हुए हैं और ये पूरा कई मतलब 15 से 20 साल से ये गड्ढे से गुजर गुजर कर कई हजारों की संख्या में जनताएं यहाँ से गुजरती है और बहुत इसमें आए दिन गड्ढे की वजह से कई लोग गिरते पड़ते हैं, कई का एक्सीडेंट होता है, कई लोग बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, कई लोग इसमें खत्म भी हो चुके हैं। और सर का कहना है, कई बार पूर्व में यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं सर को लेकिन इसका कोई हमारा सुनवाई नहीं होता क्योंकि सर के कानों में मतलब जू तक नहीं रहेगी। उसका काम काफी लंबे समय से चल रहा है जी, अब तक पूरा नहीं हो पाया, क्या कारण है और जो काम कर रहे हैं क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी जब 15 साल से पूर्व में भाजपा की सरकार थी, उन लोगों ने नहीं संज्ञान लिया इसके बारे में। हमारी जो कांग्रेस सरकार है जो 5 साल में आई थी, तब से हमारे जयसिंह भैया अग्रवाल जी ने विधायक रूप में कैबिनेट मंत्री थे, तब उन्हीं के बदौलत है जो 90% रोड बन चुकी है और सिर्फ 10% रोड बचा है। उसको पहले बीजेपी वाले बोलते थे कि रोड नहीं बनी, लेकिन हमारे भैया जयसिंह अग्रवाल जी ने रोड बना दी है तो अब 10% रोड बचा है। उसके लिए 6 महीना से हमारी भाजपा के शासन है, उनकी कानों में भी जू तक नहीं रेंगती क्योंकि उनका काम है रोड बनाना। 5 साल में पूरे हो जाने थे? 5 साल में हो गया सर, मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा बचा है, उसको कुछ कारणवश रुका था। ये जैसे पुल है अपना सरबंगला पुल, उसको कुछ कारणवश से रुका गया था, इसके चलते 10% बचा है, बाकी पूरा रोड बन चुकी है।